Audio Jungle. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडी कैंपस आगरा पर। हम परसेंटेज के आज एक नए टाइप के साथ आगे बढ़ने वाले हैं, तो हमसे एग्जाम में कुछ चुनाव से और इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, तो आज उन क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। इलेक्शन से रिलेटेड, चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन हमसे एग्जाम में किस प्रकार से पूछे जाते हैं, उनको हमें कैसे सॉल्व करना है, उनका कंसेप्ट क्या है, ये सारी चीजें आज की क्लास में देखेंगे। तो देखो, पहले समझेंगे आप सारी चीजें, पहले समझेंगे डिटेल में, फिर उसके बाद हम क्वेश्चनों की ओर चलेंगे, पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेंगे। तो देखो, आज की क्लास का कंसेप्ट क्या है, टोटल वोटर्स। टोटल का वोटर्स का मतलब है कुल मतदाता। टोटल वोटर्स, कुल मतदाताओं का मतलब ये है कि मतदान सूची में कितने नाम हैं, मतलब मतदान सूची में कुल कितने मतदाता हैं, उनको मतदाता का मतलब जिनको मतदान करने का अधिकार प्राप्त है वो कुल कितने हैं, उनको कहेंगे हम टोटल वोटर्स। तो जब कभी भी कहीं भी चुनाव होता है तो सबसे पहले तो ये जरूरी होता है कि इस चुनाव में वोट कौन कौन करेगा। सबसे पहले सरकार यही काम करती है कि नहीं करती, आप देख लेना, सेंटर के चुनाव हो या स्टेट के चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, सबसे पहले सरकार मतदाताओं की सूची घोषित करती है कि भाई इस चुनाव में 2019 के चुनाव में कितने मतदाता वोट करने वाले हैं, उनकी सूची सबसे पहले घोषित की जाती है। तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, कुल मतदाता, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि मतदाता सूची में जो नाम है उनमें से कुछ व्यक्ति बीमार होने की वजह से या किसी कारणवश वोट देने नहीं आ पाते हैं, तो जो वोट देने नहीं आ पाते, वोट न डालने वाले उम्मीदवार, नॉट कास्टेड वोटर्स, मतलब जिन्होंने वोट नहीं डाला वो वाले उम्मीदवार। और फिर उसके बाद टोटल वोटर्स में दो तरह के उम्मीदवार होंगे, जिन्होंने वोट डाला है वो और जिन्होंने वोट नहीं डाला है वो। इसका मतलब टोटल वोटर्स की संख्या, कितने उम्मीदवारों ने वोट डाला और प्लस कितने ने नहीं डाला, इन दोनों के जोड़ के बराबर होगी टोटल नंबर ऑफ वोटर्स की संख्या। तो कुल मतदाता कितने हैं, उनमें से कितनों ने वोट डाला वो अलग और कितनों ने वोट डाला वो अलग। उसके बाद जिन व्यक्तियों ने वोट नहीं डाला उनकी कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जिन व्यक्तियों ने वोट नहीं डाला उनके मतदान का चुनाव के परिणाम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब एग्जाम के रिजल्ट पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने वोट डाला ही नहीं है। और जब वोट डाला ही नहीं है तो रिजल्ट पर उनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना, तो इन वोटरों को अलग कर देंगे। उसके बाद हमारे पास बचेंगे कितने लोगों ने वोट डाला, फिर जिन व्यक्तियों ने वोट डाला है वो दो भागों में फिर से बट जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो वोट पड़ते हैं उन वोटों में व्यक्ति क्या करते हैं कि कुछ गलत तरीके से वोट डाल देते हैं। एक एक व्यक्ति ने 5-5 बार वोट डाल दिया, या एक व्यक्ति ने वोट डाल के उसमें कुछ कमी कर दी, जो रिक्वायरमेंट है मान के चलो मोहर लगाने की जरूरत है मोहर लगाना भूल गया, तो ऐसे जो वोटों में कुछ कमियां रह जाती हैं उनको क्या किया जाता है, उनको अवैध घोषित किया जाता है, मतलब उनको मान्य नहीं किया जाता। और जिन वोटों को मान्य नहीं किया जाता उन वोटों को हम कहते हैं इनवैलिड वोट, अवैध मत। इसका मतलब अब इन अवैध मतों का भी चुनाव के परिणाम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इनको भी अलग कर देंगे। अब आ जाएंगे वैध मतों पर, तो कास्टेड वोट दो जगह बट जाते हैं, वैध मतों में और अवैध मतों में, वैलिड में और इनवैलिड में। उसमें से इनवैलिड जो है इसका चुनाव के रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वैलिड वोटों का जो है चुनाव के रिजल्ट पर प्रभाव पड़ेगा। तो वैलिड वोटों पे आ जाएंगे, तो वैलिड वोटों में भी दो तरह के होते हैं, जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मिले, हारने वाले को। अब क्या होगा कि जो वैध मत जो है, जो मत इनवैलिड घोषित करने के बाद हमारे पास बचे हैं, वो वैलिड वोटों में दो तरह के जो है कैंडिडेट होते हैं, जीतने वाला और हारने वाला। अगर दो उम्मीदवार हैं तो, अगर तीन हैं तो ये तीन उम्मीदवारों में बट जाएंगे, चार होंगे तो ये वोट चार उम्मीदवारों में बट जाएंगे, पांच होंगे तो ये पांच, मतलब जितने उम्मीदवार हैं उतने उम्मीदवारों में केवल जो है वो वैध मत जो है ये बटेंगे, मतलब चुनाव के रिजल्ट पर केवल वैध मतों का ही प्रभाव पड़ता है, केवल वैध मतों को ही हमें कंसीडर करना है, इनका और इनका चुनाव के रिजल्ट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो मैं आपको एक थोड़ा सा, ये तो मैंने आपको समझा दिया, उसके अलावा एक ट्री बना के इधर दिखा देता हूं और लैंग्वेज साथ के साथ बोलता जाऊंगा, बस आपको समझाने के लिए ये काम कर रहा हूं मैं। तो देखो समझेंगे,
जैसे मान के चलो किसी चुनाव में, मैंने आपको बताया था कि इस संसार में कोई भी चीज परसेंटेज में 100% होती है, 100% होती है, तो इसका मतलब कुल मतदाता अपने आप में कितने होंगे भाई, 100%। 100% में से उसने कहा मार के चलो 10% ने मतदान नहीं किया, तो मतदान ना करने वाले अलग हो जाएंगे, बाकी के बचे कितने भाई, 90%। ठीक है, उसके बाद उसने कहा कि 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए, इसका मतलब अब ये जो वोट नहीं डाले हैं, देखो ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूं उसको, अभी क्वेश्चन नहीं है आपके सामने, अभी बस मैं आपको समझा रहा हूं। तो देखो टोटल वोट 100% में से 10% अवैध घोषित किए, सॉरी 10% ने मतदान नहीं किया वो निकल गए, बाकी के कितने बचे 90%, 90% में से 10% अवैध घोषित कर दिए गए, तो इसका मतलब 90 का 10%, तो 10% वोट निकालेंगे 90 का, तो कितने हो जाएंगे 10%, 9% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, तो वैलिड कितने हो गए भाई 81%। अब उम्मीदवारों में जो वोट बटेंगे प्यारे विद्यार्थियों, वो इस 81% में से बटेंगे, ना हमें इन 9% से कोई मतलब है, ना हमें 10% से कोई मतलब है, क्यों, क्योंकि इन्होंने तो वोट किया ही नहीं है, तो इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा चुनाव के रिजल्ट पे, और ये जो है इनवैलिड है, तो इनवैलिड को भी हम चुनाव के रिजल्ट में काउंट नहीं करते, तो इनका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल ये वाले जो वोट हैं ये उम्मीदवारों में बटेंगे। उसके अलावा परसेंटेज में जो लैंग्वेज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, मैंने आपको पहले बताया है। तो यहां पर अगर उसने कहा कि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 10% मिले, तब तो आप मतलब 81 का 10% 8.1% हो गया, लेकिन लैंग्वेज में वो ये भी कह सकता है कि उम्मीदवार को कुल मतों का 10% मिले, तो फिर आप 100 पर निकालेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि परसेंटेज के केस में वो कैलकुलेशन जिस वैल्यू पर करने की बोल रहा होगा, कैलकुलेशन आपको उसी वैल्यू पर करनी पड़ेगी। जैसे उसने कहा कि एक व्यक्ति को कुल मतों का, मतलब जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 10% मत मिले, तो जैसे ही उसने कहा कुल मतों का, तो आपको उसे कुल मतों पर ही निकालना है। ये नहीं कहना कि सर आपने तो ये कहा था कि उम्मीदवारों को मत जो है वो वैलिड वोटों में से बटेंगे, यहां से बटेंगे, तो फिर हम इसका क्यों निकालें, इनमें से तो ये भी वोटर है, उनसे कोई मतलब नहीं है। अगर उसने लैंग्वेज में कह दिया तो फिर इस पर निकालेंगे, लैंग्वेज में जो कह देगा उसी पर कैलकुलेशन करनी है। लैंग्वेज में उसने कहा जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का, तो फिर हम कुल मतों का निकालेंगे, और अगर उसने कहा कि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का, तो फिर हम वैध मतों पर निकालेंगे, मतलब जो क्वेश्चन में कहेगा हम उस पर वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, बाकी होता क्या है वो आपके सामने है, कुल वोटर कितने हैं, किन्होंने वोट नहीं डाला, कितनों ने डाला, जिन्होंने डाला उनमें से अवैध कितने हैं, वैध कितने हैं, फिर उसके बाद जो वैध मत है वो कैंडिडेटों में बट जाते हैं, इनका प्रभाव पूरे इलेक्शन पर पड़ता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये कंसेप्ट पूरे अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और अगर थोड़ी बहुत कमियां रह गई हैं तो मैं क्वेश्चनों के जरिए आपको ये चीजें समझाऊंगा, तो बड़ी आसानी से आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो हम चलते हैं अब आगे, आज की क्लास के कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप पर आधारित। ठीक है, तो देखेंगे भाई चुनाव पर आधारित क्वेश्चन जो SSC, बैंक, रेलवे सभी एग्जामों में हमसे पूछे जाते हैं, तो सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है ये परसेंटेज का। ठीक है, तो देखेंगे आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर, पढ़ेंगे समझेंगे और सॉल्व करेंगे, कोशिश किया करें भाई क्वेश्चन को देख के सॉल्व करने की कोशिश किया करें। मैं बेटा अभी हट जाऊंगा, टेंशन मत लो, आपको लग रहा होगा कि सर आप बीच में खड़े हो क्वेश्चन के, देखो मैं हट जाता हूं अभी, आपको तब क्लियर दिखेगा क्वेश्चन, मैं मिटा रहा हूं थोड़ा सा। ठीक है, तो देखो अब आपको क्वेश्चन क्लियर दिख रहा होगा, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है वो देखेंगे, मैं पढ़ के बता देता हूं एक बार आपको इस क्वेश्चन में क्या कहा गया। इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, There were two candidates in an election, हारने वाले उम्मीदवार ने 40% वोट प्राप्त किए और वह 7,000 वोटों से हार गया, तो कुल वोटों की संख्या कितनी है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, अब आपको एक चीज और मैं बता देता हूं, पहले क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले ये क्वेश्चन देखेंगे, तो इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा क्या कहा है उसने कि हारने वाले उम्मीदवार ने 40% वोट प्राप्त किए, वह 7,000 मतों से हार गया। अब एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि मैंने टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, कितनों ने वोट नहीं किया, इनवैलिड वोट, ये सारी चीजें जो बताई है ना वो हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होंगी, क्यों, क्योंकि जब ऐसा भी तो हो सकता है कि मतदाता सूची में कुल जितने मतदाता हैं वो सारे के सारे वोट डालने आए,
तो इसका मतलब नॉट कास्टेड वोट का ऑप्शन खत्म हो गया। उसके अलावा जो वोट पड़े हैं उनमें कोई भी इनवैलिड मत ना हो, तो इनवैलिड का भी खत्म हो गया। इसका मतलब मतदाता सूची में जो वोटर हैं वही तो वैलिड वोट बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे। मेरे कहने का मतलब अगर सारे कैंडिडेट वोट डालने आए और कोई भी मत अवैध ना हो तो जो मतदाता सूची में टोटल वोटर हैं वो सारे के सारे वैध मत होंगे कि नहीं होंगे, और जब सारे के सारे वैध मत होंगे तो वही कैंडिडेट में सीधा सीधा बट जाएंगे, फिर हमें नॉट कास्टेड से और उससे कोई मतलब नहीं इनवैलिड से। तो जब क्वेश्चन में वो वोट न डालने का या अवैध मतों का जिक्र नहीं करेगा तो हमें ये मान के चलना है कि टोटल वोट्स जितने हैं वो पूरे के पूरे वैध मत हैं। जैसे इस क्वेश्चन में कहीं भी उसने ये नहीं कहा कि इतने प्रतिशत मतदाताओं ने वोट नहीं डाला या इतने प्रतिशत मत अवैध हैं, कहीं कहा है? नहीं कहा। इसका मतलब इस चुनाव में जितने भी वोट पड़े हैं वो सारे के सारे वैध हैं, न उनमें कोई इनवैलिड है न कोई भी ऐसा उम्मीदवार है जो वोट डालने नहीं आया हो। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। करने का तरीका मैंने आपको दो बताए हैं, परसेंटेज से भी जा सकते हैं और फ्रैक्शन से भी जा सकते हैं। परसेंटेज से कब जाना है, फ्रैक्शन से कब जाना है या फ्रैक्शन से कब नहीं जाना, परसेंटेज से ये भी बता चुका हूं मैं। परसेंटेज से क्वेश्चन को तब सॉल्व करेंगे जब परसेंटेज हमें परफेक्ट में दिया हो, और अगर हमें परसेंटेज फ्रैक्शन में पॉइंट में दिया है तो उस केस में हम फ्रैक्शन से जाएंगे, ये पहले मैं बता चुका हूं। तो इस क्वेश्चन को करने के मैं दोनों तरीकों से बता देता हूं, फिर अंतर भी बता दूंगा, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो देखो पहले क्वेश्चन को अब मैं हटा देता हूं, तो पहले क्वेश्चन को हटा के सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो भाई पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे समझेंगे। पहला क्वेश्चन, उसने कहा है कि हारने वाले उम्मीदवार को 40% वोट मिले। इसका मतलब यहां पर उसने हमें दिया है लूजर का परसेंटेज, कि लूजर जो है हारने वाला जो उम्मीदवार है उसे कितने परसेंट वोट करने हैं। तो उसने कहा है कि लूजर को 40% वोट मिले, ठीक है। तो 40% वोट मिले, तो एक तो हम सीधा सीधा परसेंटेज से चले जाते हैं, ठीक है, पहले परसेंटेज से चले जाते हैं सीधा सीधा, फिर फ्रैक्शन से देखेंगे। तो हारने वाले उम्मीदवार को 40% मत मिले, तो भाई मैंने आपको बताया है कि कुल मत जो है वो अपने आप में 100% होते हैं। तो इसका मतलब कुल मत जो है वो 100% होते हैं, कितने भी वोट पड़े हैं वो अपने आप में 100% होते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। 100% में से, ये 100% में से 40% हारने वाले को मिले हैं, 40% जो है वो लूजर को मिले हैं। हारने वाले को मैं एल लिख देता हूं, लूजर, हारने वाले को भाई मैं एल लिख देता हूं शॉर्ट में, लूजर को मिले 40%। तो क्या आप यहां से विनर का परसेंटेज नहीं निकाल सकते? तो 100% कुल वोटों में से अगर मैं 40% हारने वाले के घटा दूंगा तो बाकी का जो 60% निकल के आएगा वो किसका आएगा भाई? वो आएगा जीतने वाले उम्मीदवार के वोट आ गए। जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मिले, हारने वाले को यदि 40% मिले हैं, तो मेरे कहने का मतलब ये है प्यारे विद्यार्थियों कि जब जो टोटल मत है उसमें अवैध मतों की जिक्र नहीं किया गया हो या यहां पर मत न डालने वालों का जिक्र नहीं किया गया हो तो 100% जो वोट टोटल वोट हैं वही आपके वैध मत होंगे, उनमें से ही सीधा सीधा जीतने वाले और हारने वाले में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इन दोनों में से किसी एक का परसेंटेज आपको दिया होगा, या तो जीतने वाले का परसेंटेज दिया होगा या हारने वाले का दिया होगा, उसका तो हमें पता होगा। दूसरे का 100 में से उसको घटाकर निकाल लेंगे। जैसे यहां पर हारने वाले का परसेंटेज दिया था 40%, तो मैंने क्या किया, हारने वाले के परसेंटेज को 100 में से घटाकर जीतने वाले को निकाल लिए, कितने मिले। अब उसने कहा है कि जीतने वाला उम्मीदवार 7000 मतों से जीत गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपने ये चीजें प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। मैंने कहा कि एक व्यक्ति 700 वोटों से जीता, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति 700 वोटों से जीता है उसने अपने से पीछे वाले उम्मीदवार से 700 मत ज्यादा प्राप्त किए, यही वाली तो बात है। उसके अलावा मैं ये भी तो कह सकता हूं कि ये जीतने वाले उम्मीदवार और हारने वाले उम्मीदवार दोनों के बीच में अंतर है, यही वाली चीज तो होगी। इसका मतलब जो 7000 मतों से उसने कहा है कि 7000 मतों से हार गया, इसका मतलब क्या है कि इस वाले उम्मीदवार को जीतने वाले उम्मीदवार से 7000 मत कम मिले हैं। तो इसका मतलब 7000 जो वैल्यू है, ये जो 7000 वैल्यू है ये क्या होगी, ये दोनों के मतों में अंतर ही तो होगा। और दोनों के मतों में अंतर परसेंटेज में कितना है, तो 60% और 40% का अंतर कितना हो गया, 20% के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई, 20% के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। 7000 यहां से 1% का मान निकालेंगे, तो यहां से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 1% का मान बराबर हो जाएगा 7000 और बटे डिवाइड करेंगे 20 बटे में चला जाएगा 20।
लेकिन हमें निकालने हैं कुल मतदाता। उसने कहा है बताइए कुल वोटों की संख्या कितनी है, तो कुल वोटों के लिए कितने परसेंट का मान निकालेंगे भाई। तो जो 100% मैंने लिखा है ये क्या है, टोटल वोट्स ही तो है टीवी। अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा, टोटल वोट्स टीवी तो है, तो टोटल वोट्स 100% का मान निकालेंगे। तो 1% का मान इतना है, तो 100% के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100% का मान निकल के आ जाएगा भाई 7000/20 और मल्टीप्लाई 100। 20 से कैंसिल करेंगे, 20 से कैंसिल करेंगे भाई, तो 20 से कैंसिल करेंगे तो 100 कैंसिल हो जाएगा। कितने बार कैंसिल हो जाएगा, 5 बार। अब यहां से 7 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई 5 35,000। इसका मतलब इस चुनाव में कुल वोट कितने पड़े हैं भाई, 35,000 हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतना आसान सा क्वेश्चन है, इतना आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, 35,000 जो है आंसर हो गया। तो आपको क्वेश्चन बड़ी आसानी से समझ में आया होगा। उसने केवल हमें हारने वाले का परसेंटेज दिया था और हमने क्या किया कि उसको विनर का निकाल लिया, 100 में से टोटल में से हारने वाले का घटाकर विनर का निकाल लिया। दोनों का अंतर 7,000 दिया था। उसने कहा था कि जीतने वाला उम्मीदवार जो है वो 7,000 वोटों से जीता है। इसका मतलब इन दोनों के वोटों में अंतर जो है वो 7,000 है। अंतर परसेंटेज में कितना है, 20%, और परफेक्ट वैल्यू में कितना, 7,000। दोनों मान सेम है तो बराबर होने चाहिए, बराबर रख दिए, वहां से 1% का मान निकाल लिया। कुल वोटर पूछे तो 100% का मान निकाल लिया, आंसर आ गया 35,000। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस तरीके से आप तभी जाएंगे जब ये परसेंट आपको परफेक्ट में दिया होगा, 35, 40, 45, 20। तो लेकिन अगर हमें पॉइंट में दिया हो तो हमें फ्रैक्शन से ज्यादा जाना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको इधर साइड में बता देता हूं। तो फ्रैक्शन से इसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले क्वेश्चनों को हम बिल्कुल धीरे धीरे सारी चीजें समझाकर चलेंगे, फिर उसके बाद स्पीड में क्वेश्चन कराएंगे कुछ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो देखो इसको फ्रैक्शन से ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना है भाई। तो फ्रैक्शन में हमें पता है, हमें चाहे जीतने वाले का परसेंटेज दिया हो चाहे हारने वाले का परसेंटेज दिया हो, सबसे पहले उसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 2/5, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसने कहा है कि 40% हारने वाले को मिले। तो मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी परसेंटेज की फ्रैक्शन मान निकालते हैं तो कुल मान तो आता है हमेशा नीचे, टोटल वैल्यू तो आती है हमेशा नीचे, और जो रिजल्ट है वो आता है हमेशा ऊपर। तो उसने कहा कि हारने वाले उम्मीदवार को 40% मिले, तो जो 40% है ये हारने वाले का है कि जीतने वाले का है, हारने वाले का है। तो इसका मतलब रिजल्ट ऊपर आता है तो 40% मान ऊपर आएगा, तो इसका मतलब ऊपर तो आ जाएगा, लूजर को कितने वोट मिले वो रेशियो तो आ जाएगा ऊपर, और नीचे जो रेशियो आएगा वो आएगा टोटल वोट्स, क्योंकि भाई उम्मीदवार को वोट कहां से मिलते हैं, कुल मतों में से तो मिलेंगे। तो टोटल वोट्स का रेशियो आ जाएगा नीचे, टोटल वोट्स कितने ये आ जाएगा नीचे। मैंने आपको बताया था जब कभी भी परसेंटेज का फ्रैक्शन मान निकालते हैं तो कुल मान हमेशा नीचे रहता है, या ये कह सकते हैं कि जिस पर कैलकुलेशन की जाती है वो मान हमेशा नीचे रहता है। तो ये जो हारने वाले उम्मीदवार को 40% मत मिले हैं ये कुल मतों में से ही तो मिले होंगे, तो इसका मतलब कुल मतों का रेशियो नीचे रहेगा और जितने उसको मिले हैं वो रेशियो ऊपर रहेगा। अब देखो, अब यहां से देखो, कुल वोट 5 रेशियो और लूजर को मिले 2 रेशियो, तो यहां से आप जीतने वाले का बता सकते हैं कितना मिलेगा। तो 5 में से 2 को घटा देंगे तो 3 रेशियो जो निकल के आएगा, ये वोट किसके आएंगे, ये जीतने वाले के वोट आएंगे कि नहीं आएंगे। तो यहां से आपका जब परसेंटेज का फ्रैक्शन मान निकालते हैं तो यहां से सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। नीचे कुल मत कितने हैं वो आ गया, ऊपर हारने वाले के ही क्यों आए, जीतने वाले के क्यों नहीं आए, क्योंकि परसेंटेज हमें हारने वाले का दिया इसलिए हारने वाले के आए। अगर ये परसेंटेज जीतने वाले का दिया होता तो ऊपर जीतने वाले के आते। अब क्या करेंगे, कुल वोटों में से अगर हारने वाले के वोट घटा देंगे तो बाकी जो बचेंगे 3 वो जीतने वाले के हो गए, ठीक है। अब देखो कि 1 रेशियो का मान निकालने के लिए क्या दिया है, तो 1 रेशियो का मान निकालने के लिए उसने कहा है कि जीतने वाला उम्मीदवार 7,000 मतों से जीत गया। तो यहां पर देखो कितने मतों से जीता है, तो लूजर को मिला है 2 रेशियो, विनर को मिला है 3 रेशियो, तो कितने रेशियो से जीत गया, 1 रेशियो से। तो 1 रेशियो का मान हमें बराबर दिया है 7,000 के। फिर उसने पूछा क्या है, कुल मत टोटल वोट्स, तो टोटल वोट्स के लिए 5 रेशियो का मान निकालेंगे। तो 5 रेशियो का मान भाई 5 गुना हो जाएगा 7 × 5 = 35,000 35,000। तो ये हो जाएगा 35,000 कुल मतदाता। इसका मतलब हमारा आंसर हो गया कितना हो गया भाई, 35,000। देखो वहां से भी 35,000 आ रहा है, यहां से भी 35,000 आ रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए जब वहां पर इनवैलिड वोट ना दिए हो, ना आपको ऐसे दिया हो कि इतने
जो वोटर्स हैं उन्होंने वोट नहीं डाला, तो उस केस में क्या करना है आपको, उस केस में क्वेश्चनों को ऐसे सॉल्व करना है, चाहे तो आप परसेंटेज से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन यहां प्रॉब्लम कहां आ जाएगी, यहां दिक्कत आपको तब आ जाएगी जब ये परसेंटेज फ्रैक्शन में दिया होगा, तो आपको यहां प्रॉब्लम आ जाएगी। वैसे प्रॉब्लम फिर भी नहीं आएगी, वहां से भी निकलने का रास्ता मैं आपको बता दूंगा, प्रॉब्लम वहां भी नहीं आएगी अगर मैं चाहूंगा तो। वहां से भी निकलने का रास्ता फिर ये हो जाएगा कि भाई जैसे परसेंटेज दिया उस प्रकार से वैल्यू यहां लेट करनी पड़ेगी, टोटल वोट्स अपने हिसाब से मानने पड़ेंगे, 100 की जगह 200, 400, 500, 700, मतलब जिससे कि पॉइंट ना आए। भाई पॉइंट और बटे तो आने नहीं देना है, क्योंकि कैलकुलेशन टफ हो जाती है, पॉइंट को कैलकुलेट करना टफ होता है, इसलिए उससे बचना है बस। कैलकुलेशन जल्दी से जल्दी और आसान करने का मतलब एरर कम से कम हो, उसका मतलब ये है कि पॉइंट को और बटे को हटाओ, तो उसके लिए हम काम करते हैं। तो यहां पर तो सीधा 40% दिया था, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने सीधे दोनों तरीकों से आपको बता दिया, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब मैं दो चार एग्जाम्पल फास्ट फास्ट आपको इसी तरीके के सीधा दे देता हूं, क्वेश्चन नहीं बोलूंगा, केवल मुंह से आपको बताऊंगा, आप सुनेंगे और समझेंगे, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए, जो मैंने सिखाया है ये बात आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए भाई, ये बात जो है वो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। तो देखो क्वेश्चन नेक्स्ट नहीं है आज की क्लास का, मैं बस आपको समझा रहा हूं चीजें, आप बस मेरे जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनेंगे। देखो मैं आज के पहले वाले क्वेश्चन का फर्स्ट, जैसे मान के चलो इसमें तो दिया था कि इतने परसेंट, मान के चलो उसने कहा कि हारने वाले उम्मीदवार को 37.5% मत मिले, देखना ध्यान से समझना, हारने वाले उम्मीदवार को 37.5%, ये लूजर की वोटिंग परसेंट दिया है हमें, ये एल का मतलब लूजर, 37.5% वोट मिले, तो वह मतलब 2000 वोटों से या कितने भी वोटों से जीत गया, तो आप रेशियो कैसे बनाएंगे, आप रेशियो कैसे बनाएंगे ये देखेंगे, आप रेशियो कैसे बनाएंगे ये देखेंगे भाई। तो देखो आप रेशियो किस प्रकार से बनाएंगे, 37.5% है तो 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू लेंगे, 3/8 हो जाएगी, तो नीचे तो आएगा टोटल नंबर ऑफ वोट्स, नीचे जो रेशियो आएगा अभी मैंने पीछे आपको बताया था सेम वही है, नीचे आएगा टोटल वोटर्स कितने हैं, ऊपर क्या आएगा, ऊपर वो आएगा जो परसेंटेज दिया है, जैसे इसने हारने वालों का दिया है तो ऊपर आएंगे हारने वाले को कितना मिला, जीतने वाले के निकालेंगे तो 8 में से 3 को घटा देंगे, जीतने वाले के कितने आ जाएंगे 5, ये हो गए भाई विनर के, विनर को मैंने W से डिनोट कर दिया। उसके बाद एक रेशियो का मान निकालने के लिए आपको कुछ ना कुछ दिया होगा, या तो ये कहा होगा कि हारने वाला उम्मीदवार इतने मतों से हार गया तो इसका मतलब दोनों के वोटों में अंतर दिया है, या ये दिया होगा जीतने वाला उम्मीदवार इतने मतों से जीत गया तब भी दोनों का अंतर दिया है, कुल मत दिए होंगे तब विनर को कितने मिले लूजर को कितने मिले ये पूछ सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलो उसने कहा कि जीतने वाला उम्मीदवार 2000 मतों से जीत गया, तो 2 रेशियो का मान कितना हो गया भाई, 2 रेशियो का मान कितना हो गया 2000, तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 1000। आपसे कुल मत पूछे जाए तो कितने हो गए 8 × 1000 8000। आपसे पूछा जाए विनर को कितने मिले तो आप कहेंगे सर 5000, 5 × 1000। लूजर को कितने मिले तो 3 × 1000 3000। देखो तो ये कितने वोटों से जीत गया, 2000 वोटों से, बस ऐसे हो गया, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब मान के चलो विनर का परसेंट दिया होता, तो मान के चलो उसने विनर का परसेंट दिया है आपको, तो उसने कहा कि विनर को 60% मिले, या विनर को उसने कहा 87.5% मिले, तो कैसे करेंगे, ये विनर का परसेंटेज दिया है, तो विनर का दिया है तो 87.5% कितना होता है 12.5 का 7 गुना होता है, तो 7/8 हो गया, 87.5% कितना हो गया 7/8 हो गया, तो ये विनर वाले का परसेंट है, विनर वाले का, तो इसका मतलब ऊपर जो रेशियो है वो जीतने वाले का आएगा, नीचे टोटल हारने वाले का निकालेंगे तो 8 में से 7 को घटा देंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसके बाद 1 रेशियो का मान निकालने के लिए कुछ ना कुछ दिया होगा और दूसरी वैल्यू आपसे पूछी होगी, हो जाएगा क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो अब आपसे हो जाना चाहिए भाई, मैंने बिल्कुल बारीकी से चीजों को आपको समझा दिया है। तो जब कभी भी आपसे किसी क्वेश्चन में वैलिड वोट का, इनवैलिड वोट का, या वोट न डालने वालों का जिक्र कर नहीं करेगा, तो आपको क्या करना है, कुल मत जो है वो वैध हो जाएंगे, सीधा सीधा कैलकुलेशन को ऐसे कर लेना है, बहुत आसान सा तरीका है जो मैंने आपको भी बताया, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, स्टेप आगे बढ़ाते हैं, ये चीज मैंने जो बताई है क्लियर हो गई होगी, नहीं हुई है तो रिपीट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे भाई, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, पढ़ेंगे समझेंगे और सॉल्व करेंगे,
मैं भी बता देता हूं आपको पढ़ के सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त किए और 20% वोट जो है वो अवैध थे। यदि कुल वोट 8000 हैं तो दूसरे वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले? हाँ पर उसने इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में क्या अंतर है पीछे वाले में और इसमें? पीछे वाले में ना अवैध मतों की बात करी थी, ना डालने वालों की बात करी थी, सीधा सीधा जो टोटल वोट्स थे वही वैलिड वोट हो गए थे। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि 20% मत अवैध, इसका मतलब जो मत पड़े हैं उनमें से 20% इनवैलिड हैं। तो इसका मतलब उम्मीदवारों के रिजल्ट पर उनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो पहले उन 20% मतों को हटाना पड़ेगा। बिल्कुल बेसिक से पहले समझाऊंगा मैं, फिर उसके बाद आपको एग्जाम की अप्रोच भी, जैसे अभी मैंने बताया फ्रैक्शन से आसान पड़ता है आप ऐसे करें, तो एग्जाम की अप्रोच भी आपको जल्दी से जल्दी करने वाली बताऊंगा, पहले आप बिल्कुल चीजों को समझ लेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में कहा है 20% अवैध हैं और एक उम्मीदवार ने 60% वैध मतों का, लैंग्वेज पर ध्यान रखना, तो लैंग्वेज को हाईलाइट करके यहां से पढ़ें, 20% मत अवैध है एक तो इसको पढ़ें, उसके अलावा एक इस चीज को पढ़ें कि वैध मतों का 60% कहा है उसने। इसका मतलब अगर हम उस उम्मीदवार के वोट निकालेंगे तो वैध मतों का 60% निकालेंगे, कुल मतों से कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को समझेंगे, दूसरे वाले को क्वेश्चन हटा देता हूं मैं, देखो दूसरे वाला क्वेश्चन देखो। सेकेंड क्वेश्चन में भाई उसने कहा है कि कुल मत 8000 हैं, तो इसका मतलब टोटल वोट्स दिए हैं। उसने कहा है टोटल जो वोट्स हैं, कुल मत 8000 हैं, तो टोटल वोट्स दिए हमें 8000। फिर उसके बाद क्या कहा है से? उसने कहा है 20% मत अवैध घोषित हो गए, तो इसका मतलब भाई यहां से 8000 जो टोटल वोट्स हैं इसमें से 20% मत अवैध हो जाएंगे। तो मैंने बताया था कि टोटल वोट्स दो भागों में बट जाएंगे, वैलिड में और इनवैलिड में। इसका मतलब वैलिड वोट कितने हैं ये हम निकाल लेंगे यहां से, और इनवैलिड वोट कितने हैं ये हम यहां से निकाल लेंगे। तो उसने कहा है कि 20% मत जो है वो अवैध घोषित किए गए, तो इसका मतलब 8000 का 20% इनवैलिड होंगे, तो 8000 का 10% कितना हो जाएगा 800, और 20% दोगुना हो जाएगा, तो इनवैलिड वोट कितने हो जाएंगे 1600। सीधा सा मैं 8000 पर कैलकुलेशन करके चल रहा हूं, क्योंकि उसने टोटल वोटर्स दिए हैं तो मुझे कैलकुलेट उसी पे करनी है और किसी पे करने की जरूरत ही नहीं है। तो देखो 1600 इनवैलिड हो गए, वैलिड कितने हो जाएंगे, तो वैलिड निकालेंगे 8000 में से 1600 को घटा देंगे, तो कितने हो गए 6400 वैलिड वोट हो गए, 6400 भाई वैलिड वोट हो गए। फिर उसके बाद उसने कहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 60% मत मिले, मतलब जो ये वैलिड वोट हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से चल रहा हूं मैं, तो इसका 60% जीतने वाले को मिले। अब भाई चलो जीतने वाले को 60% मिले, ठीक है, लेकिन उसने कहा है कि हमें बताइए दूसरे वाले उम्मीदवार को कितने मिले, मतलब हमसे पूछा है सेकंड कैंडिडेट को कितने वोट मिले। तो सेकंड कैंडिडेट को वैध मत भी अपने आप में 100% होंगे, तो उनमें से 60% जीतने वाले वाले को मिले हैं, तो बाकी का 40% हारने वाले को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मैं शॉर्ट भी आपको इसको बता दूंगा, पहले समझ लो। पहले ये जो मैं बता रहा हूं ये आपको समझा रहा हूं कि चीजें कैसे चलती हैं। तो यहां पर देखो 6400 में से 60% जीतने वाले को, तो विनर को और लूजर को यहीं से तो मिलेंगे। अब वही वाली चीज आ गई जो मैंने आपको पहले कंसेप्ट में समझाया था कि टोटल में से इनवैलिड को पहले हटा दो अलग, ये अलग हट गए, वैलिड जो बचे ये जो है दोनों में बटेंगे, तो विनर को मिले हैं 60%, तो विनर को भाई 60% मत मिले हैं, तो लूजर को कितने परसेंट मिलेंगे, तो विनर को 60% मिले हैं, तो भाई लूजर को 40% मिलेंगे, सीधी सी बात है। इसका मतलब हमें यही पूछा कि लूजर को कितना मिला, तो वो निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, टोटल वैलिड वोट कितने हैं 6400 का 40% मान, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 ऐसे ही तो निकालेंगे, 6400 का 40% ऐसे निकालेंगे, या आप 40/100 कर लो आप भाई, अगर ज्यादा ही कैलकुलेशन 40/ ऐसे कर लो 100 कर लो, क्योंकि यहां पे जीरो ज्यादा है तो कट जाएंगी सीधी, तो ये हो जाएगा 64 × 40, तो आंसर आ जाएगा 0, 4×16 = 6, 1 और 24 × 1 = 2560। इसका मतलब इस दूसरे वाले उम्मीदवार को 2560 मत मिलेंगे, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2560। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर लिया। जीतने वाले के पूछा होता तो मतलब जीतने वाले को कितने मिले, तो 6400 का 60% निकाल लेते, 60/100 तो ये जीतने वाले के आ जाते, 0 से 0 कट गया, 6×24 = 0, 6×24 = 4, 2 = 3640, 3840 को जोड़ेंगे तो 6400 हो जाएगा, 1600 इनवैलिड हो गए, 8000 जो है वो टोटल वोट्स हो गए। ठीक है,
लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना भाई, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप जो है ऐसे एक्सप्लेन कर करके करें कि ये टोटल वोट्स हो। एग्जाम में आपको चीजों को थोड़ा फास्ट करना होता है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, फ्रैक्शन मेथड का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यहां पर जो 20% और ये दिया 60% ये तो परफेक्ट में दिया है तो हमने कैलकुलेशन सीधा सीधा करता चले गए, लेकिन अगर मान के चलो ये फ्रैक्शन में दिया होता तो क्या करते। तो इसलिए हमें फ्रैक्शन वाले मेथड को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा, जिससे हम कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में फंसे ना। तो देखो इसको आप कैसे करेंगे क्वेश्चन को, अगर फ्रैक्शन मेथड से करेंगे तो एक ही लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा भाई, एक ही लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, बहुत आसान है। देखो टोटल वोट्स कितने हैं 8000, अब मैं भाई फास्ट चलूंगा, 8000 में से 20% इनवैलिड हैं तो उनसे कोई मतलब नहीं है, तो 20% इनवैलिड हैं तो 20% को हटा देंगे तो वैलिड कितने हो जाएंगे 80%, तो 80% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/5, तो 8000 में अगर मैं 4/5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कौन से वोट आ जाएंगे, वैलिड वोट आ जाएंगे। ध्यान से समझेंगे, ये जो है टोटल वोट है 8000, इनमें से 20% जो है वो अवैध हैं, तो 20% अवैध घटा देंगे तो बचेंगे कितने 80%, तो 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 4/5, तो ये वैध मत बन गए, वैध मत में थे भी 60% जीतने वाले को मिले, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे 40%, हमें हारने वाले की पूछे तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, क्योंकि हमसे हारने वाले का पूछा है तो हारने वाले का, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो यहां से कर देंगे, तो देखो यहां से करेंगे सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, तो 25 से कैंसिल करेंगे, 25 × 50, 25 × 75 तो 3 बार चला जाएगा, और 25 × 50 320 बार कट जाएगा, 320 × 8 जैसे करेंगे 0 × 16 = 1, 2560 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 2560 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है, तो हारने वाले उम्मीदवार के सीधे वोट आ गए। तो ये अगर किसी की समझ में ये बात नहीं आई कि ये सर 4/5 क्या है और 2/5 क्या है, तो ये तो बेटा लूजर का जो परसेंटेज है 40% वोट परसेंट उसका फ्रैक्शन वैल्यू है, और ये वैलिड वोटों का फ्रैक्शन वैल्यू है 4/5, तो इनवैलिड कितने 20%, तो वैलिड कितने हो जाएंगे 80%, ऐसे 60% जीतने वाले को मिले तो हारने वाले को कितने हो जाएंगे 40%। आप चाहें तो ये फ्रैक्शन ऐसे भी बना सकते हैं जैसे मैंने आपको पीछे पहले बताए हैं बनाना, जैसे उन्होंने कहा 80% वैध, सॉरी उसने कहा 20% मत अवैध हैं, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालूंगा मैं 1/5, तो नीचे तो आएंगे टोटल वोट का रेशियो और ऊपर आएगा इनवैलिड का रेशियो, कितने वोट जो है वो अवैध हैं। अब हमें बनाना है वैलिड का, क्योंकि हमें वैलिड से मतलब है, इनवैलिड से कोई मतलब नहीं है। कंसेप्ट में मैं आपको पहले बता चुका था, इनवैलिड वोट और जिन्होंने वोट नहीं डाला उनका चुनाव के रिजल्ट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वो उम्मीदवारों में वोट नहीं बटेंगे, तो इसका मतलब उनको हटा देते हैं, इसलिए इस इनवैलिड को मैंने वैलिड में बदला है। वैलिड में बदलने के लिए 5 में से 1 को बटाएंगे कितना हो जाएगा 4, तो यही तो होगा वैलिड, तो वैलिड कितने होंगे 4/5, यही मैंने फ्रैक्शन यहां पर लिखा है, देखो 4/5 लिखा कि नहीं लिखा। ऐसे ही 60% जीतने वाले को मिले हैं तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5, ये जीतने वाले के हो गए, ये टोटल वोट हो गए, तो हारने वाले को कितने हो जाएंगे भाई 5 में से 3 को बटाएंगे 2, तो फ्रैक्शन कितना बन जाएगा 2/5। तो ये वाला काम किया है मैंने, जो मैंने आपको भी पीछे समझाया वही वाला काम किया है, और सीधा क्वेश्चन को एक लाइन में फिनिश कर दिया। 8000 टोटल वोट का 4/5 निकालेंगे तो ये वैध मत हो जाएंगे, फिर उसका 2/5 निकालेंगे तो हारने वाले के मत आ जाएंगे सीधे सीधे, और अगर मैं यहां पे 60% मतलब 3/5 निकालना तो सीधे सीधे जीतने वाले के मत आ जाते, अगर वैध मत पूछेगा तो 8000 का 4/5 वैध मत हो जाएंगे और 8000 जो है टोटल मत हो जाएंगे। क्लियर है, ये फ्रैक्शन मेथड हो गया। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, अब आगे क्वेश्चनों पर थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलते हैं, तो देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, आज की क्लास का थर्ड क्वेश्चन देखेंगे भाई, स्क्रीन पे आपको दिखने लग गया होगा, पढ़ेंगे समझेंगे करेंगे। मैंने कहा है बेटा पहले कॉपी पेन लेके बैठा करो पढ़ने से पहले, और क्वेश्चनों को अपने आप खुद सॉल्व करने की कोशिश किया करो जल्दी से जल्दी, जिससे आपका माइंड चले, आपका दिमाग चलेगा तभी आप क्वेश्चन को मतलब कुछ चीजें सीख पाएंगे। मैं पढ़ा रहा हूं आप बस उसको देखते चलेंगे, दिमाग मेरा चलेगा आपका नहीं चलेगा, तो वो आपके माइंड में चीजें जो है नहीं बैठेंगी। आपके माइंड में चीजें जल्दी से जल्दी तभी बैठेंगी जब आपका माइंड थोड़ा बहुत काम करेगा, ठीक है। तो देखो तीसरा क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूं मैं, तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने अपना वोट नहीं किया, यहां पर वोट न डालने वाले भी आ गए। अभी इससे पीछे वाले में एक आफत थी अवैध वाली, वो खत्म नहीं हुई कि एक दूसरी आफत आ गई कि अब वोट न डालने वाले भी इंक्लूड हो गए। तो करने का तरीका तो हमें पता है, ऐसे ही करेंगे। तो देखो
उसने कहा एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया, कुल डाले गए वोटों के 10% अवैध हो गए, तो जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 54% मिला और वह 1620 मतों से जीत गया। तो कुल वोट्स कितने थे, पहले मैं आपको बिल्कुल सारी चीजें समझा के कराऊंगा, फिर उसके बाद शॉर्टकट भी आपको बताऊंगा शॉर्टकट में कैसे करना है। और फ्रैक्शन देखो, परसेंटेज में अगर किसी भी क्वेश्चन में हमें परसेंटेज परफेक्ट में दिया है तो हम उस क्वेश्चन को कैसे भी कर सकते हैं। सीधा परसेंटेज में कर लें 100% मान के, तो भी उसमें आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, और या हम फ्रैक्शन से कर लें। लेकिन अगर हमें परसेंटेज पॉइंट में दिया होता या सही बटे में दिया होता, जैसे 14.28, तो फिर हमें क्या होता है कि उसमें घटाने जोड़ने में 100 से सीधी प्रॉब्लम आती है, पॉइंट आ जाता है, तो उस पॉइंट को हटाने के लिए हम फ्रैक्शन का यूज करते हैं, इसलिए फ्रैक्शन से चलते हैं। ठीक है, तो सारी चीजों को समझ के चलें कब क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। तो यहां पर देखो, एक चुनाव में 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, 10% अवैध घोषित किए गए, जीतने वाले उम्मीदवार को 54% मिला, वैध मतों का, इस भाषा पर ध्यान दें, इस भाषा पर ध्यान है, वैध मतों का 54%, इसका मतलब जीतने वाले उम्मीदवार के जो मत हैं वो वैध मतों का 54% निकाले जाएंगे, ये ध्यान रखना, हारने वाले उस टोटल वोट्स का नहीं निकाले जाएंगे, क्योंकि उसने वैध मतों का कहा है क्वेश्चन में। यहां पर लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना, ठीक है, हटा दूं क्वेश्चन को, हमें क्वेश्चन को हटा देते हैं, सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर है आज की क्लास का थर्ड। तो देखो, पहले मैं बिल्कुल बेसिक से चलता हूं, तो मान लेता हूं टोटल वोट्स 100% वोट पड़े, 100% में से 10% ने वोट नहीं किया तो 10% अलग हो जाएंगे, ये हो जाएंगे नॉट वोटेड, जिन्होंने वोट नहीं डाला। ठीक है, बाकी कितने बचे भाई, बाकी जिन्होंने वोट डाला वो कितने बचे, 90%। देखना, ध्यान से समझना, ये वोट डाला, अब इनसे कोई मतलब नहीं, ये तो यही खत्म हो गए। अब इनमें से 90% में से 90% में से 10% जो है वो अवैध हैं। उसने कहा है कि कुल डाले गए वोटों के 10%, तो डाले गए वोट कौन से, 90 का 10%, मतलब अब 10% ऐसा नहीं करें आपको सीधा 90 में से 10% अलग लिख के और 80% ऐसा नहीं करना है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप ऐसा ना करें कि 90 में से, सर मैं तो, आपने यहां पे क्या किया है, आपने न वोट डालने वाले 10% को 100 में से घटा के 90 को इधर लिख दिया है, ऐसी सर मैं यहां कर दूंगा कि 10% जो है वो अवैध है वो अलग हो गए, 90 में से 10 को घटा दो तो 80% सर जो है वो वैध हो गए। बेटा ऐसे नहीं करना है, ऐसा क्यों नहीं करना, वो आपको बताएगी क्वेश्चन की लैंग्वेज बताएगी। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने ऐसा कर दिया 10% और 80%, तो इसका मैंने क्या कर दिया, ऐसे मैंने क्या कर दिया, मैंने इस 10% को 100 पर कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, कुल मतों पर कैलकुलेट कर लिया, जबकि इसमें से 10% ऑलरेडी निकल चुके हैं नॉट वोटेड, और उसने क्वेश्चन में कहा है कि 10% मत पड़े मतों का अवैध घोषित किए गए हैं, मतलब जो वोट पड़े हैं उसका 10%, मतलब 90 का 10% निकालना है, 90 का 10% निकालना है। उसने कहा है कुल पड़े मतों का 10% वोट जो है वो अवैध हैं, तो 10% ऐसे सीधा नहीं लिखना, जो वोट आपके पड़े हैं उसका 10% निकालना है, मतलब 90 का 10% निकालना है। तो 90 का 10% प्यारे विद्यार्थियों कितना होगा, तो 90 का 10% कितना होगा भाई, तो 90 का 10% मान निकालेंगे तो 90 का 10% हो जाएगा 9, तो ये होगा, तो बाकी के कितने बचेंगे, 81% ये हो जाएंगे भाई वैलिड वोट, तो ये हो जाएंगे हमारे वैलिड वोट, और ये जो है ये 9% ये है हमारे इनवैलिड वोट। ठीक है भाई, अब क्लियर है बात, यहां तक क्लियर हो गई। अब उसके बाद उसने कहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 54% मिला, इसका मतलब इस 81% का 54% मिला है किसको, जीतने वाले को, विनर को, तो लूजर को कितना मिलेगा भाई, तो 100 में से 54 को, तो लूजर को 40% मिलेगा, किसका, 81 का, ये ध्यान रखना है, 81 का 40% मिलेगा, 81 का 40% हारने वाले को मिलेगा और 54% जीतने वाले को। मैंने आपको परसेंटेज में कहा था वैल्यूज कहां कैलकुलेट कर ले करते हैं, वैल्यूज यहां वहां उस वैल्यू पर कैलकुलेट करते हैं जिस पर वो तुलना कर रहा होता है या जिसका कह रहा होता है। तो उसने कहा है कि 10% ने वोट नहीं दिया कुल मतों का, तो इसका मतलब 100 पर लेंगे 10% और 90 बचे,
फिर उसके बाद कहा है कि 10% अवैध घोषित कर दिए गए कुल पड़े मतों का, मतलब 90 का जो वोट पड़े हैं उनका, तो 90 का 10% 9 तो 81%। उसके बाद जीतने वाले उम्मीदवार को 54% मिले वैध मतों का, इसका मतलब 81 का 54% निकालेंगे, ऐसे लूजर को तो 81 का 46% निकालेंगे हारने वाले उम्मीदवार के। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको पता करनी है कि हमें किस पर वैल्यू को कैलकुलेट करना है, और उसको हमें बताया कि लैंग्वेज, लैंग्वेज में जो कहा है वो। अब उसने कहा है कि वो 1620 वोटों से जीत गया, इसका मतलब 1620 क्या है, 1620 हारने वाले और जीतने वाले के, हारने वाले और जीतने वाले के वोटों के बीच में अंतर है। तो अंतर कितने परसेंट का हो जाएगा भाई, तो ये कितने परसेंट वोटों से जीत गया ये देखो, तो अंतर कितने का हो गया 8% का, 8% ज्यादा ही तो है। इसका मतलब अगर मैं 81 रेशियो, जो जो 81 है, 81% का और 8% मान निकाल लू 8/100, तो ये वाली जो वैल्यू है ये बराबर होनी चाहिए, कितने वोटों से जीता है भाई, तो वो जीता है 1620 वोटों से, तो ये वैल्यू 1620 के बराबर होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए 8% मान। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो देखो कैलकुलेट करेंगे तो देखो 81 से ये कट जाएगा, कितने बार कट जाएगा 20 बार कट जाएगा, तो यहां से 8 चले जाएगा बटे में 100 चले जाएगा मल्टीप्लाई में, तो आप चाहें तो 2 से इसको कैंसिल कर लो भाई 4 बार, और 4 से इसको कैंसिल कर लो 25 बार, तो 25 × 10 = 250, तो 1% का मान बराबर हो जाएगा 250। क्वेश्चन में पूछा है कुल मत, तो कुल मत कितने हैं 100%, तो 100% का मान निकालेंगे। उसने पूछा कुल मतदाता, तो 100% का मान बराबर हो जाएगा 25,000। इसका मतलब टोटल वोटर्स जो वोटिंग लिस्ट में हैं उनकी संख्या 25,000 है। वही उसने पूछा है कि कुल कितने वोट्स हैं, तो कुल कितने वोट्स कितने हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, 25,000, तो हमारा आंसर हो जाएगा 25,000। ठीक है, तो 25,000 हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया, तो एक तरीका तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये हो गया। अब फिर वही मैंने बताया, ये डिटेल हो गई जिसमें आपको सारी चीजें समझ में आ गई। अब हमें क्वेश्चन की अप्रोच, मतलब जल्दी से जल्दी शॉर्ट से शॉर्ट कम से कम जगह में कैसे कर पाएंगे वो देखेंगे। सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी भाई, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन करना कैसे है, सारी चीजें बिल्कुल माइंड में आपके खुल जाएंगी सारी चीजें, कोई भी डाउट आपको बचेगा नहीं। अगर बच रहा है तो फिर भी आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे पूछें, आज तक की वीडियो में कोई भी किसी विद्यार्थी को कोई डाउट नहीं हुआ है, अभी तक किसी भी विद्यार्थी ने कोई भी चीज ये नहीं कहा कि सर इस वीडियो में हमें ये डाउट है। तो वो मैं पूरी चीजें क्लियर करके पहले से ही चलता हूं, अपना बचा पहले से करके चलता हूं भाई। ठीक है, तो देखो थर्ड वाले क्वेश्चन को अगर हम सॉर्ट करेंगे थोड़ा सा तो कैसे करेंगे। अब हमें पता है कि जीतने वाला जो उम्मीदवार है वो हारने वाले उम्मीदवार से मतलब जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 54%, तो पहले तो हमें कुल मतों को वैध मतों में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले तो कुल मतों को वैध मतों में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वैध मतों में कन्वर्ट करने के बाद तभी तो हम उस वैल्यू को उसके बराबर करेंगे। तो देखो हमें टोटल वोटर्स बताने हैं, ठीक है, तो यहां पर तीसरा क्वेश्चन एक लाइन में ये क्वेश्चन को खत्म करेंगे। तो टोटल वोटर्स हमें बताना है, टोटल वोटर्स तो मैं मान लेता हूं एक्स है टोटल वोटर्स, ठीक है, कुल मतों की संख्या एक्स है, 10% अवैध घोषित कर दिए गए। देखो इधर समझना, बिल्कुल इधर समझना, फ्रैक्शन कैसे बन रहा है, फ्रैक्शन किस प्रकार से बन रहा है ये चीज समझना। इधर उसने कहा कि 10% मत जो है वो अवैध घोषित किए गए, तो 10% मत अवैध होंगे तो वैध मत कितने होंगे, क्योंकि अवैध से सॉरी 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, सबसे पहले उसको देखना है। तो 10% ने मतदान नहीं किया तो मतदान कितनों ने किया होगा, तो 90% ने किया होगा, तो 90% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 9/10। इसका मतलब कुल वोटर्स का अगर मैं 9/10 निकाल दूं तो कितने लोगों ने मतदान किया ये निकल के आ जाएगा। तो इस चीज को आप ऐसे कर सकते हैं, या तो कि 100 में से पहले घटा के सीधा फ्रैक्शन निकाल लो, या इसी चीज को आप कैसे कर सकते हैं कि जो परसेंटेज दिया है पहले उसी का फ्रैक्शन मान लिख लो। तो उसने कहा कि 10% ने वोट नहीं डाला तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो ये तो रेशियो आ जाएगा टोटल वोटर्स कितने हैं उसका, और ये हो जाएगा कितनों ने वोट नहीं डाला उसका, नॉट वोटेड। हमें निकालना है कि कितनों ने वोट डाला है, तो उसके लिए 10 में से 1 को घटाएंगे तो कितने आएंगे 9, तो इसका मतलब वोट डालने वालों का रेशियो कितना बनेगा भाई 9/10। तो मैं ये वाली चीज कर रहा था, तो इसका मतलब जो वैल्यू ये टोटल वोट्स मैंने क्या माना है ये एक्स, मैंने माना है कि चुनाव में टोटल वोटर कितने एक्स, इसका अगर मैं 9/10 कर दूं तो ये वाला मान क्या होना चाहिए कि कितने लोगों ने मतदान किया, वो निकल के आ गई, वो निकल के आ गए x मल्टीप्लाई 9/10, क्योंकि 9 क्या है मतदान करने वाले लोग,
10 क्या है, टोटल वोट्स का रेशियो। तो यहां से आप अगर देखेंगे तो जो 9 है ये क्या है, 9 है ये क्या है, ये वोट जिन्होंने डाला है वो, और 10 क्या है, टोटल वोट। और मैंने x को क्या माना है भाई, टोटल वोट। इसका मतलब x का मान 10:10 के बराबर होना चाहिए, 10:10 के बराबर होना चाहिए x। तो 1:10 का मान कितना हो जाएगा, x बटे 10। और वोटर डालने वालों के लिए कितने का निकालेंगे, 9। तो देखो 9x/10 ही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो वही तो मैंने किया है, x में 9/10 का मल्टीप्लाई किया है कि नहीं किया। तो ये क्या हो गया, जैसे ही मैंने x में 9/10 का मल्टीप्लाई किया तो टोटल वोटों की संख्या कन्वर्ट हो गई, कितने वोटों, कितने वोट चुनाव में डले हैं उनमें, मतलब यहां से लेके यहां तक की बात करें तो ये वो आ गए जो वोट डले हैं, वोट कास्टेड, जितने वोट डले हैं वो आ गए भाई यहां से लेके यहां तक, जैसे मैंने 9/10 का, और 9/10 का मल्टीप्लाई ही क्यों किया, 1/10 का क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर मैं 1/10 का करता तो वोट न डालने वाले निकल के आते, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जो वोट नहीं डालते हैं और जो मत अवैध होते हैं उनका चुनाव के रिजल्ट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए हमें वो देखने जो वोट पड़े हैं और जो वैध हैं। तो पड़े वाले वोट का मल्टीप्लाई कर दिया तो वोट इतने पड़े, फिर उसके बाद आगे चलते। उसके बाद उसने कहा कि 10% मत अवैध हैं, तो 10% मत अवैध हैं, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी भाई, 1/10, 1/10 कुल पड़े मतों का। इसका मतलब अब यहां पर जो ये है, ये क्या है, ये जो 1:10 है ये है इनवैलिड वोटों का, और ये 10 क्या है, ये है कुल वोट जो पड़े हैं उनका, मतलब कितने वोट पड़े, कास्टेड वोट का रेशियो है, अब कास्टेड वोट का रेशियो भाई 10, और 10 में से अगर एक को घटा दें तो वैलिड वोट कितने हो जाएंगे, 9। तो वैलिड वोट का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा भाई, 9/10, और किसका, कास्टेड वोट का। इसका मतलब कास्टेड वोट का अगर मैं 9/10 निकालूंगा तो वैलिड वोट आ जाएंगे। इसका मतलब फिर से इसमें 9/10 का मल्टीप्लाई कर दूं, फिर से इसमें 9/10 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो फिर से 9/10 का मल्टीप्लाई करने पर ये जो वैल्यू है यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये हो जाएगी वैलिड वोट। ध्यान से समझते चलना, इसको भी मैं बता रहा हूं, ये वाली जो चीज है ना, ये आपको इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि ये जो मैं समझाना पड़ रहा है ना आपको, केवल समझाने के लिए, ये काम एग्जाम में नहीं करना, एग्जाम में बस ये एक्स मल्टीप्लाई 9/10 मल्टीप्लाई 9/10। जैसे उसने कहा कि 10% अवैध, आपको तुरंत उसको, जैसे उसने कहा 10% ने मतदान नहीं किया, तुरंत उसको मतदान करने वालों में कन्वर्ट कर लेना है 9/10। फिर उसके बाद उसने कहा 10% अवैध, तो उसको वैध में कन्वर्ट कर लेना है 9/10। कैसे कन्वर्ट करना है वो मैंने आपको साइड में बता दिया, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूं, इसका कोई यूज नहीं है। ये हो गए वैलिड वोट। अब उसके बाद देखो, उसने कहा कि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मताओं का 54% मिला। इसका मतलब इसका अगर मैं 54% मान निकालूंगा तो वो जीतने वाले उम्मीदवार के वोटों के बराबर होना चाहिए, ठीक है। उसने कहा है जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का, तो देखो वैलिड वोटों का, जितने भी वैलिड वोट होंगे उनका 54% तो मिले हैं जीतने वाले को, विनर को, और बाकी के लूजर को मिले हैं 40%। तो विनर को इससे कितना ज्यादा मिले हैं, 8%। ये वाली चीज है। अब उसके बाद यहां से डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपको 1% का मान निकालने के लिए क्या दिया है। तो उसने दिया है कि जीतने वाला उम्मीदवार हारने वाले उम्मीदवार से 1620 वोटों से जीत गया, मतलब दोनों के वोटों के बीच में अंतर पूछा है। तो इसका मतलब अब अगर मैं इसका 54% निकालूंगा तो जीतने वाले के वोट आ जाएंगे, लेकिन वो हमें नहीं पता। जब मैं इसका 40% निकालूंगा तो हारने वाले के वोट आ जाएंगे, वो भी हमको नहीं पता। लेकिन अगर मैं इसका 8% निकालूंगा तो हारने वाले और जीतने वाले के वोटों में अंतर आ जाएगा, जो हमें पता है। इसका मतलब इस वैल्यू का, जो ये वैल्यू लिखी है, इसका 8% मान और निकाल लें तो ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए 1620 के। एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व, ये एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व। ये जो मैंने आपको बताया है ये केवल आपको समझाने के लिए है भाई, ठीक है। 1620, अब बस क्वेश्चन को आगे कैलकुलेट कर ले लेंगे। तो ये 8/100, ये एक और परसेंट का मल्टीप्लाई हो गया, एक और परसेंट का मल्टीप्लाई हो गया, तो 8/100 का मल्टीप्लाई होने पर ये क्या हो गया, यहां से यहां तक का मान हो गया विनर माइनस लूजर, मतलब दोनों के वोटों में अंतर, जो हमको दिया है 1620। तो जब ये मान भी दोनों के वोटों में अंतर है और ये मान भी अंतर है, तो दोनों मान आपस में बराबर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, होने चाहिए। बस अब क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। अब मैं इसको हटा देता हूं थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, आपको समझ में
हैं, तो आगे होगा मैं सारी चीजें आपको बताते चलाऊं। अब बस कुछ नहीं कैलकुलेशन करनी है, एक्स का मान निकालना है, आंसर आ जाएगा। तो देखो 9 में 81 से कितनी बार कट जाएगा, 20 बार, फिर वही कैलकुलेशन आगे देखो, 2 से इसको करेंगे 4 बार, 2 कट गया, और 4 से कट जाएगा 25 बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2500 और 10, तो कितना हो जाएगा एक्स का मान भाई, तो एक्स का मान हो जाएगा हमारा 25000। तो 25000 क्या हो गए, टोटल नंबर ऑफ वोट्स। देखो क्वेश्चन खत्म हो गया एक लाइन में, बस एक लाइन में क्वेश्चन खत्म हो गया, कुछ नहीं, तो ये हो गया 16-25000। एग्जाम की अप्रोच आपकी ऐसी होनी चाहिए, बस इतनी जगह लगनी चाहिए, और ये तो मैं आपको बता रहा हूं, मतलब अगर आप करेंगे तो जो क्वेश्चन है ना, जब हम ऑफलाइन एग्जाम देते थे 2014 में 2015 में, मैंने जो एग्जाम दिए सीजीएल सीपीओ के, तो वो ऑफलाइन होते थे। ऑफलाइन में हम क्या करते हैं कि जहां क्वेश्चन लिखा है उसकी साइड में जो थोड़ी सी जगह बचती है उसमें ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते थे, क्योंकि टाइम बचाने के लिए ज्यादा रफ, जितनी ज्यादा रफ भरोगे उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा, और जितना कम स्पेस भरोगे उतना ही कम समय लगेगा, वहीं पर सॉल्व कर लेते थे। लेकिन अब ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन पेपर हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको रफ मिलती है, आप उसमें भी कम से कम जगह, क्योंकि भाई एग्जाम में कोई डायरेक्ट तो नहीं, आप की रफ अगर खत्म हो जाएगी तो मांगने में आप 2-4-10 सेकंड तो वो करोगे, वेस्ट करोगे, उतने में आप 1-2 क्वेश्चन कर लोगे। तो इसलिए कम से कम जगह में, मतलब रफ को कम से कम भरना है, कम से कम जगह में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एग्जाम की अप्रोच आपकी ऐसी होनी चाहिए, और ये अप्रोच आपको आएगी प्रैक्टिस से, जो मैं आपको टाइप कराता हूं उस पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, तब आप इन चीजों को कर पाएंगे। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूं कि सारी चीजें आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर बैठे, शॉर्ट से शॉर्ट आप क्वेश्चन को कर पाएं, उसके अलावा और भी शॉर्ट आप बना सकते हैं अपनी तरफ से, क्योंकि स्टूडेंट जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करता है उतनी ही उसकी स्पीड बढ़ जाती है, तो स्पीड के लिए बस प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। और ये क्या है, ये मैं आपको इतना समझा के स्लो क्यों पढ़ा रहा हूं, वो इसलिए पढ़ा रहा हूं कि जब जो विद्यार्थियों ने भी पढ़ा ही नहीं है, पहले वो समझे चीजों को, पढ़ें, तब वो प्रैक्टिस पे आएंगे, ठीक है। तो देखो भाई तीसरा क्वेश्चन हो गया आज की क्लास का, फोर्थ क्वेश्चन देखो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा आज की क्लास का पांचवा क्वेश्चन, आज की क्लास का फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, मैं पढ़ के बता देता हूं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 75% लोगों ने अपना वोट दिया, इनमें से 20% अवैध हो गए, एक उम्मीदवार को 6261 वोट मिले जो कुल वैध मतों का 75% था, तो उस चुनाव में कुल कितने वोटर थे। अब मैं आपको भाई डिटेल वाला मेथड नहीं बताऊंगा, मैं इन तीन क्वेश्चनों में जो मैंने पीछे कराए, इन तीन क्वेश्चनों में आपको सारी चीजें समझा चुका हूं, कुल मत क्या होते हैं, उनमें से डाले न गए कैसे निकालते हैं, जो बचे हैं वो कैसे निकालते हैं, विनर को कितने मिले वो कहां से निकालते हैं, वैध मत कहां से निकालते हैं, इन तीन क्वेश्चनों के जरिए मैंने आपको सारी चीजें समझा दी हैं। अब मैं बस क्वेश्चनों को एग्जाम की अप्रोच से ही आपको सॉल्व कराऊंगा, अब बार बार दोनों तरीके नहीं बताऊंगा, वो केवल आपको समझाने के लिए बता रहा था, ठीक है। अगर आपको लगता है तो आप बेटा घर बैठ के उस तरीके से करके देखें, ठीक है, नहीं होता है तो मुझसे पूछेंगे आप। तो देखो अब मैं इनको सीधा एग्जाम की अप्रोच से ही करूंगा, क्वेश्चन में क्या दिया है वो देखूंगा मैं। तो उसने हमसे पूछा क्या है, पहले ये देखेंगे, तो उसने पूछा है हमसे कि बताइए चुनाव में कुल कितने वोटर थे, तो चुनाव में कुल कितने वोटर थे, देखो मैं फोर्थ क्वेश्चन को हटा देता हूं बेटा, सॉरी कहा है, तो मैं टोटल वोटर्स, क्वेश्चन की लैंग्वेज में टोटल वोटर्स पूछे तो मैं टोटल वोटर्स भाई मान लेता हूं, टोटल वोटर्स मान लेता हूं एक्स है, ठीक है। अब उसके बाद उसने कहा कि 75% मतदाताओं ने मतदान किया, तो इसका मतलब 75% की अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू निकालूंगा तो 75% की फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 3/4, इसका मतलब जिन्होंने मतदान किया है उनका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 3/4। तो देखो बेटा कभी भी आपको चीजों को रटना नहीं है, आप इससे पीछे आपने देखा होगा मैंने हमेशा घटाकर, मतलब 4 में से 3 को ऐसे करके घटाकर मल्टीप्लाई किया था, वहां पर कहा था उसने कि 10% ने वोट नहीं दिया, तो मैंने मल्टीप्लाई किया था 9/10 का, तो वहां पर मुझे 10% को कन्वर्ट करना पड़ा था, मतलब क्यों कन्वर्ट करना पड़ा था, तो कुछ विद्यार्थी क्या होते हैं रट लेते हैं, जैसे 10% है 1/10, तो सर ने इसको 9/10 लिखा है, तो मैं भी यहां पर 4 में से, वो क्या करेंगे कि 4 में से 3 को घटाकर पहले इसको 1/4 करके और तब मल्टीप्लाई करूंगा 1/4 का, ऐसे रटना नहीं है। आपको ये नहीं सोचना कि सर ने घटा के मल्टीप्लाई किया है, आपको ये सोचना है कि सर ने घटाकर मल्टीप्लाई क्यों किया है, आपको वाई का आंसर चाहिए, वाई क्यों किया है सर ने ऐसा, वो चीज आपको समझनी है, तब आप जो है एग्जाम में क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहां पर भाई देखो घटाने की जरूरत नहीं है, यहां पर सीधा 75% के फ्रैक्शन का
तीन बट्टे चार का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम। अब क्यों कर देंगे वो देखेंगे। देखो वहां पर क्या था, वहां पर हमें जो 10% दिया था वो वोट न डालने वालों का परसेंटेज दिया था, जबकि हमें उनसे कोई मतलब नहीं होता है, हमें चाहिए वोट डालने वाले। तो उस 10% को पहले वोट डालने वालों में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसको घटाना होता था। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर हमें सीधा 75% जो दिया है वो सीधा परसेंटेज उन्हीं का दिया है जिन्होंने वोट डाला है, जिन्होंने वोट डाला है उन्हीं का दिया है, मतलब जिन्होंने वोट डाला है उन्हीं का दिया है। इसका मतलब हमें यही फ्रैक्शन चाहिए होता, यही दिया है, तो अब इसको बदलने की कोई जरूरत नहीं। सीधा 3/4 का जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वोट यहां से यहां तक आ जाएंगे, जो वोट डले हैं वो कास्टेड वोट बन जाएंगे। अब उसके बाद आगे देखते हैं, उसके बाद उसने कहा है कि 2% मत अवैध घोषित किए गए। इसका मतलब 2% मत जो है वो अवैध घोषित किए गए, 2% जो है वो इनवैलिड। तो हमें इनवैलिड नहीं चाहिए, हमें चाहिए वैलिड। तो वैलिड कितने हो जाएंगे, 98%। तो या तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि सीधा 98% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है, तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 98 की, 98/100, यही हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, एक तरीका तो ये है। तो ये क्या है, ये जो टोटल वोट पड़े हैं वो आ गए, तो ये जो 98/100 हो जाएगी सीधे सीधे हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। या तो एक तरीका ये है, या एक तरीका वो है कि 2% का फ्रैक्शन मान निकाल लो पहले, पहले 2% का फ्रैक्शन मान निकाल लो, तो 2% का फ्रैक्शन मान 1/50 हो जाएगा, तो नीचे ये जो आ जाएंगे ये ऊपर इनवैलिड का रेशियो आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई इनवैलिड का रेशियो, और ये हो जाएगा जो वोट पड़े हैं उनका रेशियो। हमें निकालना है वैलिड का, तो 50 में से एक को घटाएंगे 49, तो इसका फ्रैक्शन बनेगा 49/50। ऐसे भी कर सकते हैं हम, या हम सीधा 100 में से घटा के कर सकते हैं। तो अब इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 49/50 का, तो यहां से लेके यहां तक क्या बन जाएगा भाई, यहां से ले तक, यहां से शुरू से लेके ये यहां तक बन जाएगा वैलिड वोट, क्योंकि जो 49/50 है वो किसका फ्रैक्शन है, वो वैलिड वोट का है, ये वैलिड वोट का फ्रैक्शन है। तो हमें क्या करना होता है कि टोटल वोटों को कन्वर्ट करना होता है, कितने मत पड़े पहले ये निकालने होते हैं, तो जो मत पड़े हैं जितने परसेंट उसके फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद हमें निकालना होता है कि कितने जो इनवैलिड है उनको हटाकर वैध कितने बचे, तो वैध मत के फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब यहां से लेके यहां तक ये वैध मत आ गए। अब उसके बाद क्वेश्चन को आगे देखो, उसने दिखाया कि एक उम्मीदवार को 9261 मत मिले जो वैध मतों का 75% है। इसका मतलब अब जो उम्मीदवार हैं, अब जो चुनाव में उम्मीदवार हैं, उनमें ये वोट बटेंगे, कौन से वोट बटेंगे, वैलिड वोट बटेंगे, और वैलिड वोटों में से दोनों में बटेंगे, किस किस में बटेंगे, वैलिड वोटों में, वैलिड वोट बनेंगे जीतने वाले विनर में और लूजर में। उसने कहा जीतने वाले को 75% मिले, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे भाई, 25%, और भी जीतने वाला हारने वाले से कितने परसेंट से जीत गया वो निकालेंगे, तो 50%। ठीक है, यही होगा ही नहीं होगा। अब उसके बाद हमें क्वेश्चन में देखना है कि हमें क्या दिया है। तो उसने कहा है कि एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले जो कुल मतों का, मतलब सॉरी, जो वैध मतों का 75% है, मतलब ये जो वैध मत है इसका 75% मान जो है वो जो है 9261 के बराबर होगा। अब देखो, अगर मैं इसका 75% निकालूंगा तो विनर के वोट आ जाएंगे, अगर मैं इस वैल्यू का 25% निकालूंगा तो लूजर के आ जाएंगे, और अगर दोनों के डिफरेंस का निकालूंगा तो 50% निकालूंगा तो दोनों का अंतर आ जाएगा कि जीतने वाले उम्मीदवार और हारने वाले उम्मीदवार के बीच में कितना अंतर है। लेकिन उसके बाद हमें मल्टीप्लाई यहां किसका करना है, हमें मल्टीप्लाई उसका करना है जिसका रेशियो हमें दिया है। तो उसने हमें क्या दिया है, उसने हमें जीतने वाले के वोट दिए हैं, तो जीतने वाले का वोट का परसेंटेज कितना है, 75%। तो मल्टीप्लाई 75% जो मान है ये वैल्यू बराबर होगी कितने के, 9261 के। बस एग्जाम में ऐसे आपको बनाना है क्वेश्चन को, आपको एग्जाम में क्वेश्चन को ऐसे बनाना है, उसके बाद कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन है। अब इसके बाद भाई कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है। तो देखो मैं काट लेता हूं, 25 से 3 बार कट जाएगा भाई, 25 से 4 बार कट जाएगा, 25 × 75 = 100। ठीक है, उसके बाद यहां से क्या करेंगे, यहां से देखो 9 से कट सकता है, 9 से कैंसिल करेंगे तो 9 से कट जाएगा, 9 से 1 बार 0, 9 दुनी 18 और 9 = 81, 9 से करेंगे सॉरी 9 से 1 बार जाएगा भाई, 9 बार नहीं, 1029 बार कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद कितना बचा, 49। तो 49 से इसको काट के देखते हैं, तो 49 × 98 और 49 से 1 बार, इसका मतलब 49 × 98 हो गया, और कितना बचा, 98 के बाद 4 और 49, तो 21 बार चला गया। अब उसके बाद ऊपर कुछ नहीं बचा, x का मान निकालेंगे तो 21 बचा उधर,
मल्टीप्लाई यहां कितना बचा, 4 × 16 = 80, 800 यहां बचा। तो यहां से करेंगे तो यह आ जाएगा 0 × 8 = 16,800 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 16,800। एग्जाम में आपको ऐसे करना है, एग्जाम में आपको चीजें बिल्कुल क्लियर माइंड में, जैसे मैंने टोटल वोट एक्स माने तो हमें पता है कि 75% ने मतदान किया है कुल मतदाताओं का, तो कुल मतदाताओं का 75% मान मतलब 3/4 निकालूंगा तो ये आ जाएगा कितने मतदाताओं ने वोट किया। उसके बाद जो वोट किया है उनके 2% अवैध हैं तो वैध कितने हो जाएंगे 98%, तो इसका मैं 98% निकालूंगा तो वैध मत आ जाएंगे। फिर उसके बाद जीतने वाले उम्मीदवार को 75% मिले जो 9261 है, इसका मतलब इसका 75% मान 9261 के बराबर होना चाहिए। पीछे वाले में हमने दोनों के अंतर का मल्टीप्लाई किया था, क्यों, क्योंकि वहां पर हमें दोनों के मतों का अंतर दिया था इसलिए अंतर का मल्टीप्लाई किया था। रटना नहीं है, समझना है। अगर आप रटेंगे कि सर इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आप उसी का मल्टीप्लाई करेंगे, आप लैंग्वेज के अनुसार उसको समझ के नहीं करेंगे, बस यही गलती करेंगे आप। तो वहां ऐसा नहीं, लैंग्वेज के अनुसार क्वेश्चन बदलता चला जाता है, लैंग्वेज में जो कहता है उसके अनुसार हम क्वेश्चन को करते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब मैं दूसरे तरीके से नहीं बताऊंगा, देखेंगे आज की क्लास का 5वां क्वेश्चन, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है, अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब भाई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बारीकी से ये टाइप मैंने आपको समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ के बता देता हूं मैं क्या कह रहा है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया, 60 वोट अवैध हो गए, पहले उम्मीदवार को कुल वोटों के 47% वोट मिले और उसने दूसरे उम्मीदवार को 308 वोटों से हरा दिया, तो कुल वोटर कितने थे। अब देखो भाई दोनों ही चीजें इंपोर्टेंट हैं। अब इस क्वेश्चन में लैंग्वेज अलग है, यहां पर उसने वैध मतों का मतलब जैसे पीछे वाले क्वेश्चनों में कहा है कुल वोटर, उसके बाद कितनों ने वोट नहीं दिया, कितने परसेंट अवैध थे, उसके बाद वैध मतों पर कैलकुलेशन चल रही थी, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा है, इस क्वेश्चन को आपको डिटेल में ही सॉल्व करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसने 47% वोट जो दिए उम्मीदवार को वो कुल वोटों के दिए हैं, मतलब उसे कुल वोटों पर निकालना पड़ेगा। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही बेसिक तरीका, पांचवें क्वेश्चन को मैं अब हटा देता हूं, देखो सॉल्यूशन देखेंगे पांचवें क्वेश्चन का। अब आ जाएंगे उसी तरीके पर जो जहां पर हम सारी चीजें क्लियर खोल खोल के करते हैं भाई, 100 मान के उसको हम कितना भी मान सकते हैं, टोटल वोटर्स को अपनी तरफ से हम कुछ भी लेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन। यहां पर 10% दिया है तो हमें कोई जरूरत नहीं है 100 मान लो, क्योंकि 10% तो 100 पर कैलकुलेट किया जा सकता है। तो मैं मान लेता हूं, देखो टोटल वोट्स मान लेते हैं, हम मान लेते हैं टोटल वोटर, टोटल वोटर कितने हैं भाई 100% में से 10% ने वोट नहीं किया तो कितने चले गए 10, इन्होंने वोट नहीं किया नॉट वोट, और जिन्होंने वोट किया वो कितने बचे 90। अब यहां से इस क्वेश्चन में और पुराने क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा सा अंतर है। पुराने क्वेश्चन की लैंग्वेज में तो ये कहता था कि जो मत पड़े उनमें से इतने परसेंट अवैध हो गए, सीधा सीधा ऐसे कहता था, लेकिन यहां पर उसने कहा है कि 60 मत अवैध हैं, इसका मतलब यह है कि 60 मत अवैध हैं, इसका मतलब परसेंटेज में नहीं दिया, परसेंटेज में दिया होता तो मैं सीधा इस 90 पर निकाल लेता, क्योंकि ये जो 100 90 और 10 है ये परफेक्ट मान नहीं है, ये रेशियो है, इसका मतलब इनको हम ऐसे लिखेंगे 100 रेशियो, ऐसे ये रेशियो है परफेक्ट मान नहीं है, परफेक्ट मान नहीं है, तो इसमें से सीधा 60 को माइनस नहीं कर सकते, अगर परसेंट में दिया होता तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। तो जब कभी भी आपको अवैध मत परफेक्ट में दिए हो, परसेंट में नहीं दिए हो, तो उस केस में कुल वोटों को आपको ऐसा मानना है जिससे ये परसेंटेज आसानी से निकल आए। तो उसने कहा कि 10% ने वोट नहीं डाला तो 10% तो हम 100 पर ही आसानी से निकाल सकते हैं, तो 100 में से 10 ने वोट नहीं डाला, 10 रेशियो ने और 90 रेशियो ने वोट डाला, इनमें से 60 मत जो है वो अवैध है। फिर उसके बाद क्वेश्चन की लैंग्वेज को आगे देखते हैं, पहले उम्मीदवार को कुल वोट के 47% वोट मिले, इसका मतलब फर्स्ट कैंडिडेट जो है, फर्स्ट कैंडिडेट को कुल मतों के 47%। तो मैंने आपको जब क्लास स्टार्ट की थी तभी बताया था कि वैसे तो उम्मीदवारों को वोट वैध मतों में से ही मिलते हैं, मतलब यहीं से मिलेंगे वोट, यहां पे इनवैलिड का जिक्र किया है क्वेश्चन की लैंग्वेज में,
अवैध मतों का जिक्र किया है, नहीं किया। इसका मतलब अगर अवैध मतों का जिक्र नहीं किया तो जो टोटल वोट पड़े हैं वो पूरे के पूरे वैध हैं, इनमें अवैध है ही नहीं। जिस चीज का जिक्र नहीं किया इसका मतलब ये है कि वो है नहीं। इसमें इसने अवैध का जिक्र नहीं किया तो जो वोट पड़े हैं वो पूरे वैध हैं, मतलब ये 90:90 ही वैध मत हैं, ठीक है। अब उसके बाद फर्स्ट कैंडिडेट को कितने मिले हैं, तो उसने कहा है कि फर्स्ट कैंडिडेट को 47% मत मिले भाई। और 47% किसका मिले हैं, तो 47% कुल मतों का, मतलब वैध मतों का नहीं कहा उसने। अगर उसने वैध मतों का कहा होता तो परसेंटेज 90 पे निकालते, लेकिन उसने कहा है कुल मतों का, तो 100% पर 47% निकालेंगे। तो कैंडिडेट के पहले वाले कैंडिडेट के जो भाई साहब वोट है वो आ जाएंगे 100 का 47%, तो कितना आ जाएंगे 47:47, ये आगे विनर के, ठीक है। उसके बाद अगर मैं 90:90 में से 47 को घटा दूं तो कितना हो जाएगा 43:43, ठीक है। अब ये 43:43 क्या है, तो देखो ये टोटल वोट है वैध, ठीक है, सॉरी यहां पर भाई देखो इनवैलिड वोट परसेंट में नहीं दिए लेकिन परफेक्ट में दिए हैं, इनवैलिड वोट जो है वो परफेक्ट में दिए हैं। तो यहां पर जो 90 है ये टोटल वोट हो गए, तो इसमें क्या है, इस 90:90 में इनवैलिड वोट भी है और वैलिड वोट भी है, और वैलिड वोटों में से जीतने वाले और हारने वाले को मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन में अभी जो मैंने पीछे सॉरी मैं बता रहा था कि इसमें इनवैलिड वोट नहीं दिए हैं, वो मैं थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज को भूल गया था, यहां पर उसने दिए हैं लेकिन इनवैलिड वोट उसने परफेक्ट में दिए 60 वोट ऐसे करके दिए, परसेंटेज में नहीं दिए। तो जो 60 वोट हैं वो कहां होंगे, तो उसने कहा है कि फर्स्ट कैंडिडेट को कुल वोटों का 47% मिले, तो इसके जब हम वोट निकालेंगे तो वो 100 पर कैलकुलेट करेंगे, तो ये तो परफेक्ट हो गए 47:47 कि ये जीतने वाले उम्मीदवार के वोट हैं। लेकिन ये 43:43 क्या है, ये 43:43 क्या है, ये 43:43 हारने वाले उम्मीदवार के वोट हैं, प्लस इसमें 60 अवैध भी हैं भाई, 90:90 में 60 अवैध भी हैं, तो 90:90 में 60 अवैध मत भी हैं, तो इसका मतलब जो 43:43 ये क्या है, लूजर को मिलने वाले वोट प्लस इनवैलिड वोट। भाई इस 90:90 क्या है, 90:90 कुल पड़े हुए मत हैं, तो इस कुल पड़े हुए मत में जीतने वाले को मरने वाले भी वोट होंगे, हारने वाले को मिलने वाले भी वोट होंगे, उसके अलावा अवैध जो घोषित किए वो भी होंगे। तो इसमें से जीतने वाले 47:47 निकल गए, तो बाकी का जो 43:43 बचा, इस 43:43 में हारने वाले उम्मीदवार के भी वोट होंगे और अवैध मत भी होंगे। अगर इस 43:43 में से मैं अवैध मत 60 घटा दूं तो ये बताओ कि ये लूजर के वोट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अब यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये लूजर के वोट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बस ये बताओ, हो जाएंगे, क्योंकि इनवैलिड हटा दिए इसमें से, और लूजर प्लस इनवैलिड में से इनवैलिड हटा दिए, तो ओनली लूजर के वोट बटे। अब उसके बाद उसने कहा है कि जीतने वाला जो उम्मीदवार है वो जो दूसरा उम्मीदवार है वो 308 वोटों से हार गया, इसका मतलब ये वाला उम्मीदवार हार गया, तो दोनों का अंतर दिया है, तो दोनों का अंतर 47:-43:-++ हो जाएगा, क्योंकि देखो -60 ही कर लो, चलो यहां ब्रैकेट लगा लेंगे, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए 308 के। उसने कहा है कि जो उम्मीदवार है ये वाला, ये 308 वोटों से हार गया, इसका मतलब दोनों के बीच में अंतर 308 है। अब उसके बाद क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते चलेंगे, तो 47:43 में से 43:43 गया तो कितना बचेगा 4:43, और ये माइनस माइनस प्लस 60 की वैल्यू बराबर हो जाएगी 308 के, ठीक है। आगे कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन को, इधर कर दूं तो यहां से 60 इधर जाएगा, तो 4:43 का मान बराबर हो जाएगा 308 और माइनस 60, तो यहां से 4:43 का मान बराबर हो जाएगा भाई, इसमें से 60 माइनस करेंगे 8, 4 248 के, 1:43 का मान हो जाएगा 4×6=24, 4×2=8 के। उसके बाद पूछा क्या है, उसने कहा है बताइए कुल वोटर कितने थे, तो कितने रेशियो का मान 100:43 का मान, तो कुल वोटर के लिए निकालेंगे 100:43 का मान, तो वो आ जाएगा 6200, तो कुल वोटर कितने थे 6200, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन पे दिया है 6200 आंसर, देखो बी ऑप्शन पे दिया है, तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, तो 6200 हमारा आंसर हो जाएगा। जब ऐसा क्वेश्चन आए, अब इसके कैसे पहचान करनी है, आप कहेंगे सर आपने अभी पीछे बताया था कि फ्रैक्शन से करो, अब आपने ये बता दिया, तो ऐसा
कैसे पहचान होगी? तो इसकी पहचान आप ऐसे करेंगे कि जब आपको इनवैलिड वोट जो है ये परफेक्ट में दिए हों, परसेंटेज में नहीं दिए हों, उसके अलावा जो एक उम्मीदवार का वोट परसेंटेज दिया है वो कुल मतों का दिया हो, वैलिड वोट का ना दिया हो, तो आप क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। पहले उसमें मान लेंगे कि टोटल वोटर कितने हैं, उसके बाद इसमें से जिन्होंने वोट नहीं डाला उनको अलग निकाल लेंगे, जिन्होंने वोट डाला उनको अलग निकाल लेंगे, जो वोट डले हैं इनमें वैलिड इनवैलिड वोट भी होंगे, उसके अलावा वैलिड भी होंगे, वैलिड में जीतने वाले प्लस हारने वाले होंगे और बाकी इनवैलिड होंगे। जीतने वाले का परसेंटेज उसने दिया था कि कुल मतों का 47%, तो 100 का 47% मान निकाल ला, तो जीतने वाले के आगे जीतने वाले के निकालते जो 43% बचा ये हारने वाले के वोट प्लस अवैध मत हो गए, इसमें से 60 अवैध मत भी हटा दिए, तो हटाने के बाद ये केवल हारने वाले के हो गए। हारने वाले और जीतने वाले का अंतर हमें दिया है 308, तो मैंने उसको बराबर रख दिया, वहां से 1:1 का मान निकाल लिया, कुल पड़े हुए वोटरों के लिए 100:1 का मान निकालेंगे तो उसका मान निकाल लिया, आंसर आ गया भाई 6200। ठीक है, क्लियर है, चलें आगे। तो देखो आज की क्लास का 6th क्वेश्चन, आज की क्लास का 6th क्वेश्चन देखेंगे भाई, बोर्ड पे आपको दिखने लग गया होगा। मैं आपको सारी चीजें पहले से क्लियर इसीलिए करके चल रहा था कि कोई पता नहीं किस क्वेश्चन में आपको किस अप्रोच से जाना पड़े। ऐसा नहीं है फ्रैक्शन से सॉल्व, फ्रैक्शन से भी सॉल्व हो जाएगा भाई, ऐसा नहीं है। फ्रैक्शन और परसेंटेज मैंने बताया दोनों सेम चीजें हैं, बस अंतर वहां आ जाता है कि जब परसेंटेज पॉइंट में दिया होता है तो फ्रैक्शन से चीजों को करना आसान रहता है, इसलिए हम फ्रैक्शन का यूज करते हैं। पहली क्लास में ही बताया था फ्रैक्शन परसेंट रेशियो कोई भी अलग नहीं है, सेम चीजें हैं, लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, देखो 6th क्वेश्चन में पढ़ के बता देता हूं, 6th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा। 6th क्वेश्चन में कहा है दो उम्मीदवार राम और श्याम के बीच चुनाव हुआ, 11.11% मतदाताओं ने चुनाव में भाग नहीं लिया, 12.5% वोट अवैध घोषित किए गए और विजेता को कुल वैध मतों का 60% मत मिला, तो वह 7000 वोटों से चुनाव जीत गया, तो मतदाता सूची में मतदान ज्ञात करें। सेम जो मैंने पीछे आपको इससे जस्ट पीछे दो क्वेश्चन कराए वही क्वेश्चन है, बस अंतर क्या है, अंतर इतना है कि वहां पे परसेंटेज जो दिया था वहां पर परसेंटेज आपको परफेक्ट में दिया था, यहां पर पॉइंट में दिया है, क्वेश्चन को करने का तरीका वही है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखो 6th क्वेश्चन बहुत ही आसान है, हटा देता हूं क्वेश्चन को मैं, देखो सॉल्यूशन देखेंगे, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, बस यहां पर परसेंटेज दिया है तो इसका मतलब पॉइंट में परसेंटेज दिया है, तो हमें क्वेश्चन को फ्रैक्शन मेथड से ही करना है, परफेक्ट वाले मेथड से नहीं करना, बस यही मैं आपको तब से समझा रहा हूं। तो यहां पर देखो पॉइंट में दिया है तो हम फ्रैक्शन से ही चलेंगे, तो देखो उसने यहां पर टोटल वोट्स पूछे हमसे, तो मैं टोटल वोट्स की संख्या मान लेता हूं x। उसने कहा है कि 11.11% मतदाताओं ने राम और श्याम ने भाग लिया है, मतदाताओं ने चुनाव में भाग नहीं लिया, तो 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/9, इन्होंने भाग नहीं लिया, लेकिन हमें जिन्होंने भाग नहीं लिया या जिन्होंने वोट नहीं डाला उनसे मतलब नहीं है, हमें वो चाहिए जिन्होंने वोट डाला है, तो वो निकालेंगे तो 9 में से 1 को हटाकर वो कितने आएंगे 8/9। इसका मतलब अगर मैं इस वैल्यू का 8/9 निकालूंगा तो यहां से लेके यहां तक कौन से आ जाएंगे, जिन्होंने वोट डाला है, कास्टेड वोट कास्टेड वाले आ जाएंगे। फिर उसके बाद 12.5% वोट अवैध घोषित किए गए, तो अवैध कितने घोषित किए गए हैं भाई 12.5%, ये चीज आपकी माइंड में होनी चाहिए, वैसे मैं लिख के बता रहा हूं 1/8 ये कौन से हैं अवैध, लेकिन हमें अवैध नहीं वैध चाहिए, तो घटाकर लिखेंगे 7/8, तो अगर मैं इसका 7/8 कर दूंगा तो 7/8 आ जाएंगे वैध मत, तो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा ये वैलिड वोट। अब ये वैलिड वोट हो गए, वैलिड वोटों में से अब देखो एक रेशियो का मान निकालने के लिए क्या दिया है, तो उसने कहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 60% मिले, इसका मतलब जो वैलिड वोट हैं वो बटेंगे दोनों में, जिसमें एक विनर होगा एक लूजर होगा, विनर को 60% मिल रहे हैं तो लूजर को कितने मिलेंगे 40%, और ये कितने परसेंट से जीत जाएगा ये 20% से। अब एक रेशियो का मान निकालने के लिए क्या दिया है, उसने कहा है कि 7000 वोटों से जीत गया, इसका मतलब कितने परसेंट से जीता है 20% से, तो 7000 वोटों से जीत गया ये दिया है। अगर उसने हमें जीतने वालों का वोट वोट दिए होते तो मैं इसका 60% मान निकाल के उसके बराबर कर देता, हारने वालों के वोट दिए होते तो इसका 40% निकाल के उसके बराबर कर देता, लेकिन उसने न जीतने वाले के दिए न हारने वाले के दिए, दोनों के वोटों में अंतर दिया है, तो अंतर परसेंटेज का मल्टीप्लाई करके
मल्टीप्लाई 20/100 वैल्यू बराबर करेंगे जितने वोटों से जीता है उसके 7000 के। भाई समान मान ही बराबर हो सकते हैं, समान मान ही बराबर हो सकते हैं, अगर मानों में कमी ज्यादा होगी तो वो बराबर नहीं हो सकते। तो वही मैंने किया, अब बस कुछ नहीं है, कैलकुलेशन करनी है। देखो कैलकुलेशन करेंगे, 8 से 8 कैंसिल हो गया आपका यहां पर, उसके अलावा 20 से 1 कैंसिल हो गया 5 बार, ठीक है। तो यहां से x का मान निकालना है, तो x का मान बराबर हो जाएगा भाई 5 का मल्टीप्लाई 7 पूरे 35,000, तो 7 से 7 को कैंसिल कर लेते हैं, तो 9 मल्टीप्लाई 5 45 और 1000, तो x का मान कितना हो गया 45,000। नंबर ऑफ वोट्स कितने आ जाएंगे भाई 45,000, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने आ जाएंगे 45,000। ऑप्शन कौन सा दिया है तो ऑप्शन देखेंगे 45,000 हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं, जो वोटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उनको इस प्रकार से हम सॉल्व कर लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जितने भी क्वेश्चन हमने अभी तक देखे हैं आज की क्लास में 6 क्वेश्चन देखे हैं, पूरे 6 क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल जो है एग्जाम में जो पूछे जाते हैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से लिए गए हैं, सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही हैं। तो चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन आज हमने 6 देखे, कंसेप्ट को समझा, लेकिन ये टाइप थोड़ा बड़ा है, एक क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए मैं दूसरी क्लास आपको प्रोवाइड कराऊंगा नेक्स्ट डे। आज के लिए बस इतना ही, यहां से आगे चलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी से चुनाव से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन जो बेस्ट हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल।